सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः जयतस्तपार्श्वस्य श्रीमद्भर्तुः पदद्वयं क्षयं दुस्तरपापस्य क्षमं कर्तुं ददज्जयं तमोत्तु ममतातीत ममोत्तम मतामृत ततामित मते तात मतातीत मृते मित स्वचित्त पटया लिख्य जिनं चारु भजत त्ययम् शुचिरूपतया मुख्य मेनं पुरो निजश्रियम् देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की मोह महातम दलन दिन तप लक्ष्मी भरतार ते पारस परमेश मुझ हो सुमति दातार वामानंदन कल्पतरु जयो जगत हितकार मुनिजन जाकी आश करी जाचे शिव फल सार जाचे शिव फल सार। भगवान पार्श्वनाथ की यह मंगलमयी कथा अनेक तरह के मध्य में आने वाले त्योहारों के सोपान को पार करते हुए आगे बढ़ रही है। सभी प्रकार के इस श्रावण मास में आने वाले त्यौहार और उन सब त्यौहारों का भी बीच बीच में आनंद लेते हुए पार्श्वनाथ भगवान की वह जीवन यात्रा अनवरत चल रही है। व्यक्ति जब अपने आप से जुड़ा होता है तो सारी सृष्टि उसके आसपास घूमती है। जब व्यक्ति अपने केंद्र में होता है तो परिधि पर रहने वाले अनेक लोग उसके आसपास घूमते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति केंद्र पर आने लग जाता है वैसे वैसे उसके अंदर की शक्ति उसके अंदर उसका विकास और उसके अंदर की जितनी भी परिधि से जुड़ी हुई शक्तियां होती हैं वो सभी विकसित होने लग जाती हैं। हर व्यक्ति जीवन में किसी ना किसी परिधि पर घूमता है केंद्र पर आ नहीं पाता है। जहाँ पार्श्वनाथ भगवान अभी विचरण कर रहे हैं वह स्थान बीच में आपको
ध्यान में आ रहा होगा, आनंद मुनि महाराज की पर्याय से वह आनत स्वर्ग में देव पर्याय को प्राप्त हुए हैं और वहां पर पहुंचने के बाद में जो वहां के वातावरण है, वहां का माहौल है, उसका भी आपको कुछ दिग्दर्शन यहां कराया जा रहा था। बीच में आप थोड़ा सा अपने भाव में आ गए और वह बीच का व्यवधान अगर आपके भावों की और वृद्धि के लिए है तो वह चेंज भी अपने आप में अच्छे के लिए ही मानना चाहिए, क्योंकि बीच बीच में कुछ ना कुछ अगर थोड़ा सा आपको चेंज होता रहता है तो उससे आपके मनोभाव और अच्छे बने रहते हैं। भोजन में कितना ही स्वादिष्ट भोजन क्यों ना हो, लेकिन एक सा भोजन कभी भी लंबे समय तक किया नहीं जा सकता। हर तरह से आपके अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन का भाव जो चलता रहता है, उसी भाव को लेकर के आज यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है कि वह जीव जो अभी तक मुनि महाराज की स्थिति में था, मुनि महाराज की दशा में था, आज वह स्वर्ग में देव बना बैठा है। सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ ये होती है कि हम जो एक्सपीरियंस करते हैं और हम जो सोचते हैं, उन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस क्रिएट होता है तो वो हमारे लिए कभी भी किसी भी घटना पर फोकस नहीं कर पाता। फोकस करने का मतलब ही होता है कि हम जो सोच रहे हैं और जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। आप सुनते होंगे, जब भी बच्चे पढ़ते हैं उनसे कहा जाता है अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। आप यहां बैठे हो, आप सुन रहे होते हो और सुनने पर आपका फोकस रहता है, लेकिन आपको पता नहीं होता कि फोकस का मतलब क्या होता है। सामने कैमरामैन अपने कैमरे से सब कुछ फोकस कर रहा होता है, लेकिन उसको भी पता होता है कि फोकस का मतलब क्या होता है। जब हमारे दिमाग में एक डिफरेंस क्रिएट होता है कि हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हो और जो सोच रहे हो, उन दोनों के बीच में अगर कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है तो समझना कि आपका माइंड फुल्ली फोकस नहीं है। आप यहां बैठे, बोलिए, यहां बैठे, यहीं बैठे। अगर आप यहां बैठे हैं तो आपका यहां का एक्सपीरियंस और यहां जो आपको नॉलेज मिल रही है, जो भी आप शब्द सुन रहे हैं, वो दोनों अगर बिल्कुल एक में होंगे तो समझना कि आपका फोकस यहीं पर है। अगर आपका फोकस यहां नहीं है तो हो सकता है आप यहां शरीर से बैठे हो, दिमाग आपका कहीं और चल रहा हो, और इसी को कहा जाता है डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस केवल आउटर ही नहीं होता है, मेंटली भी आदमी डिस्टर्ब होता है। जब हमारे अंदर इस तरीके के थॉट्स चलते हैं जो हमें रखते कहीं हैं और सोचने को कहीं मजबूर करते हैं, तो बस यहीं से जो एक डिफरेंस क्रिएट होने लग जाता है, यही एक टेंशन का रूप बन जाता है। आपके लिए ये सभाएं होती हैं, ये कथाएं होती हैं, इस तरह के जो ये उपदेश होते हैं, ये आपको मेंटली जो आप डिस्टर्ब रहते हैं दिन भर, उसको दूर करके, सब प्रकार के आपके टेंशनों को रिमूव करके, आपके लिए यहां पर एक फोकस कराया जाता है कि आप बिल्कुल बैलेंस्ड हो जाएं। और ये बैलेंस माइंड की प्रैक्टिस ही आपके लिए दिन भर काम आती है, जो आप घर पर भी रह करके अच्छे ढंग से, अच्छे मूड से काम करते हो। सुन रहे हैं? आप यहां टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आपको यहां पर बहुत बड़ी मेंटल हेल्थ की चीजें सिखाई जा रही हैं। आपका फोकस अगर यहां पर है, आपका पूरा एक्सपीरियंस, आपके पूरे थॉट्स अगर एक साथ बिल्कुल कंसंट्रेट हो रहे हैं, तो आप मान के चलना आप यहां बहुत बड़ी मेंटल थेरेपी पे अपने आप को गुजार रहे हो। और यही मेंटल थेरेपी आपके लिए मेंटली स्ट्रांग बनाती है, और इसी के माध्यम से फिर आप जब घर जाते हो तो प्रसन्न होकर के दिन भर निकालते हो, आज तो बहुत अच्छा लगा, आज तो पारस कथा में बहुत आनंद आया, आज तो मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी, ऐसा कुछ नया आज हमें मिला जो पहले कभी नहीं सुनने को मिला,
इस तरह के जो आपके अंदर हर्ष के भाव, आनंद के भाव आते हैं, वो तभी पॉसिबल हैं जब आप फुल्ली फोकस्ड यहां पर हो। सुन रहे हो? ये फोकस की बात मुझे आज क्यों करनी पड़ी? क्योंकि कल एक बीच में जो एक इंटरवल हो गया, उससे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, और जब इंटरवल होने के बाद में फिल्म फिर से शुरू होती है तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट में टाइम लगता है। फिल्म आपने भी देखी होंगी, हमने भी देखी है। लोग इंटरवल होने के बावजूद भी थोड़ा बहुत, थोड़ी देर के लिए खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, थोड़ी देर के लिए सीट पर बैठने के बावजूद भी थोड़ा सा उनका दिमाग वही रहता है कि अभी बाहर हम क्या खा के आए, बाहर क्या पी करके आए, एकदम से फुल्ली फोकस नहीं कर पाते उस पिक्चर पर जो सामने चल रही है। समझ आ रहा है? फिर 5 मिनट बाद जब उनका खाने पीने का भाव कम हो जाता है, सामने पिक्चर जब फिर से उसी लाइन से फिर से चलने लग जाती है, और उनके लिए वह स्क्रीन पर जब बिल्कुल यही दिखने लग जाता है कि हाँ ये वाली घटना पिछली वाली घटना के साथ जुड़ी हुई है, और उनका दिमाग फिर से काम करने लग जाता है, तो समझ लेना कि हाँ अब धीरे धीरे फोकस हो रहा है। केवल विजन का नाम फोकस नहीं होता है। आप देख रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि आप यहां पूरा फोकस किए हुए हो। फोकस का मतलब है कि आपका कान भी यहीं पर लगा हो और दिमाग भी यहीं पर लगा हो, शरीर कहीं पर बैठा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस दिमाग और कान यहां पर होने चाहिए। जो लोग ऑनलाइन भी सुनते हैं वो भी फुल्ली फोकस्ड हो सकते हैं, कहीं भी बैठे हो, इससे मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि आपका दिमाग और आपके कान दोनों बस थोड़ी देर के लिए हमें दे दो, और फिर देखो आप उसके बाद आपका दिमाग भी दुरुस्त मिलेगा और कान भी आपके लिए बड़े संतोष देने वाले मिलेंगे, हाँ मैंने आज अपने कानों में कोई अमृत घोल लिया है। ये चीज हमें सीखनी चाहिए। कभी कभी हमें थोड़े से अपने विचारों को छोड़ करके अपने आनंद में आना चाहिए। कई बार ऐसा होता है आदमी 30 त्योहारों पर भी किसी भी तरह के अपने हर तरीके के सेलिब्रेशन मनाने के बावजूद भी उसके अंदर एक रूपता नहीं आ पाती, आनंद नहीं हो पाता। बाद में ख्याल वही आता है जो अभी मनोज भाई बता रहे थे, किसी के पर्स में से निकल गया, किसी के पर्स में पहुंच गया। अगर यही ख्याल आता है तो फिर वो किसी भी त्योहार को सेलिब्रेट कर देगा, जो वास्तव में आनंद होना चाहिए वो नहीं आ पाता। लेकिन वास्तव में आनंद किस चीज का आता है? जहां पर हमने आपको, अपने आप को हमने फोकस किया हो। आपने किस चीज पर फोकस किया? कोई भी त्योहार आया, आपने किस चीज का एंजॉय किया? किसी को राखी बांधने में एंजॉय आता है, किसी को मिठाई खाने में आता है, किसी को खिलाने में आता है, किसी को कहीं दूर ले जाने में आता है, किसी को कहीं घुमाने में आनंद आता है। कोई ना कोई आपके लिए वह एक आनंद का क्षण होना चाहिए, जिस क्षण को आप फोकस करके याद कर सको कि हाँ ये क्षण हमारे लिए बहुत अच्छा था। सुन रहे हो? बोलो तो। आप तो अपना आनंद शेयर करोगे नहीं हमसे, क्योंकि योर प्लेजर्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। समझ आ रहा है? बट माई प्लेजर इज ऑलवेज सेम एवरी डे। आपका आनंद बाहरी परिस्थितियों पर डिपेंड करता है, अलग अलग तरीके से डिफ्रेंशिएट हो जाता है, लेकिन मेरा आनंद हमेशा एक सा रहता है। और त्योहार के दिनों में हो सकता है वो आनंद थोड़ा सा और बढ़ जाता हो, लेकिन वो आनंद वो एक ही दिशा में बढ़ता है, अलग अलग डायरेक्शन में नहीं बढ़ता। क्या सुन रहे हो? कल आप लोगों ने अपना त्योहार मनाया, अलग ढंग से मनाया। हमने भी रक्षाबंधन का त्योहार मनाया, अलग ढंग से मनाया, और सबने देखा कितने अच्छे ढंग से सब लोगों ने बिल्कुल लाइन वाइज लाइन आकर के और एक एक करके बहुत अच्छी संख्या में और बड़े व्यवस्थित ढंग से सबने एक एक ग्रास भी अगर दिया है तो हमें लगता है अगर आपने फोकस किया होगा तो उसका आनंद आया होगा आपको। और कल मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ले नहीं रहा हूं, खुद नहीं ले रहा हूं, मैं आज इनसे लेने के भाव में हूं कि तुम देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ।
ये कल कुछ ऐसा अपने को एक्सपीरियंस हो रहा था और वही हम एक्सपीरियंस यहां पर आपको शेयर कर रहे हैं कि जब बहुत से लोग होते हैं और जो देने के भाव में होते हैं तो फिर लेने का भाव नहीं होता है, सिर्फ यही भाव होता है कि भाई ये देने से खुश हो रहे हैं तो ये दे ले बस, इस बात पर फोकस नहीं रहता कि हम क्या ले रहे हैं, क्या हमें लेना चाहिए, जो दे रहे हैं थोड़ा दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं तो इतना सही, इतना दे रहे हैं तो इतना सही। बात इस बात के लिए होती है कि भाई हाँ ये जिस भाव से आए उनके इस भाव की पूर्ति हो जाए और कोई भी आदमी यहां से निराश होकर के ना जाए। और हमें लगा कि कहीं बहुत देर तक मुझे खड़ा ना होना पड़े इन लोगों की आशाएं बांध के रखे, लेकिन हमने भी बड़ी तरकीब से काम किया और एक ग्रास जहां पर एक बार में होता था उसी एक ग्रास को चार चार लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करके बड़ी तरकीब से काम किया और वह सब लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ में वह आहार दिए, हमने भी आहार लिए। लेकिन यह जो एक भाव आता है कि हम अगर अपने आप को एक जगह फोकस रख करके उसका आनंद लेते हैं तो हमारे जीवन में यही आनंद के क्षण हमें याद रहते हैं और इस तरह से हम अगर उन क्षणों को भी याद कर लेते हैं तो भी हमें आनंद की अनुभूति होती है। आप लोग भी इसी तरह के क्षणों को याद करना सीखें और वो क्षण तभी आपको याद रहेंगे जब आप हर आनंद के क्षण पर अपने आप को फोकस किए हुए होंगे। इसलिए मैंने फोकस से बात शुरू की कि आपका फोकस अगर कहीं डिस्टर्ब हो गया हो तो आप पुनः कंसंट्रेट हो जाए, पुनः लाइन पर आ जाए और अब आप फिर से इस मूड में आ जाएं कि अब क्या चल रहा है, यहां पर आगरा में क्या हो रहा है, पारस भगवान की चर्चा हो रही है और कुछ नहीं है, पारसनाथ भगवान की कथा, पारसनाथ भगवान की चर्चा, चाहे इस भव की हो चाहे पिछले भव की हो, हमें बात उसी आत्मा की करनी है जो आत्मा निरंतर प्रगति की ओर है, निरंतर अपने जीवन को उन्नत बनाए हुए है। और उसी आत्मा की उन्नति अगर हमारे लिए इस रूप में दिखाई दे कि वो मान लो स्वर्ग में पहुंच गए, देव बन गए, आपको भी उस देवपने का भाव का आनंद आएगा, आपको भी उस देवपने में एक रूपता महसूस होगी अगर आप इस कथानक से अपने आप को बिल्कुल एक में करके रखेंगे। अगर आपके थॉट्स में ये होगा भाई स्वर्ग कहाँ है, किसने देखा, कब मरेंगे, कब स्वर्ग मिलेगा, मरने के बाद क्या पता कौन सा स्वर्ग कहाँ होगा, ये बातें सही भी हैं कि गलत हैं, और यहां आपको ये पाठ पढ़ाया जा रहा हो और आपके दिमाग में ये सब चल रहा हो तो ये जो डिफरेंस है ये आपको फिर एक डिप्रेशन देगा, ये आपको एक सैडनेस की तरफ ले जाएगा। इसलिए जरूरी ये बात की थी, इसलिए ये भूमिका बना रहा था कि यहां पर जो एक कथन आने वाला है इससे आपको एकमेक होना है। बताओ पारसनाथ भगवान पर विश्वास है कि नहीं? पारसनाथ भगवान पर तो है। और वो आत्मा जहां से आया, जिस भव से वो उतर करके सीधा पारसनाथ बनकर बनने के लिए जिस गर्भ में आया, उससे पहले वो कहां है उसकी जानकारी चाहिए कि नहीं? किसी गूगल पे नहीं मिलेगी वो जानकारी, वो जानकारी केवल आपको यहां मिलेगी। और यहीं से आपको अपने आप को कनेक्ट करना पड़ेगा कि अगर हमारे सामने पारसनाथ भगवान का विश्वास बना हुआ है तो उनकी आत्मा कहीं से एकदम से आकर के किसी प्लानेट से कहीं से उतर नहीं आई, कोई एकदम से अवतरित नहीं हो गई, ये अवतारवाद यहां पर नहीं होता। और अगर अवतार शब्द आता है तो अवतरित माने अगर स्वर्ग से कोई उतर करके आता है, स्वर्ग से कोई आत्मा जन्म लेने को आता है तो उसे अवतार कहा जाता है। अवतार का मतलब ऐसा नहीं है कि पहले कुछ नहीं था एकदम से कुछ भी प्रकट हो गया, समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जो हमारे सामने है हम उससे पहले भी क्या था उसको भी अगर देखने की कोशिश करेंगे तो हमारे मन के अंदर ये विश्वास आएगा कि जो पारसनाथ आगे बनने वाले हैं वो इससे पहले उस देव भाव में बैठे हैं, वहां क्या आनंद ले रहे हैं। अगर हम थोड़ा भी यहां पर सुनने की कोशिश करेंगे तो हमें थोड़ा सा भी ज्ञान हमें आनंद देने वाला हो सकता है, लेकिन हमारे माइंड में किसी भी प्रकार का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। सुन रहे हो? आप यहां बैठ करके नैनीताल का, मंसूरी का, शिमला का आनंद लेते हो? घर में बैठ के भी लेते हो कि नहीं लेते हो? सिंगापुर का, यूएस का, कहीं भी कैलिफोर्निया का आनंद, किसी भी झील का, किसी भी स्थान का आप आनंद घर पे बैठ के भी ले लेते हो कभी नहीं लेते हो? बोल ही नहीं रहे,
लेते हैं ना, ये मोबाइल किस लिए रखे हो 20-20 हजार के? आपको अगर किसी भी सीन से कनेक्ट होकर के अगर आपको आनंद आता है तो आज आपको इस देव पर्याय की कथा सुनकर के भी वैसा ही आनंद आना चाहिए कि मैं भी उस पारसनाथ भगवान के जीव के पास में आनंद स्वर्ग में बैठा हूं। सुन रहे हो? इस भावना के साथ में कथा प्रारंभ हो रही है। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जन गावे। पेज नंबर 37 से पढ़ते हैं। तब तिस थानक देव प्रधान, मन की बात अवधि सो जान, जोग वचन बोले शिरनाय, संशय हरण श्रवण सुखदाय, हम विनती सुनिए सुरराज, जीवन जन्म सफल सब आज, अब सनाथ स्वामी हम भये, जन्म जोग ते पावन थये, सूरज उदय कमल निबाग, विकसे यथा जग्यो सिर भाग, नंद वर्द हम देहि आशीष, चिर यह राज करो सुर ईश, अहो नाथ यह स्वर्ग तेर मो आनत नाम, जगत सार लक्ष्मी हो ये निरुपम भोगन, तुम इहि थान इंद्र अवतरे, पूर्व जन्म दुर्धर तप धरे, ये सब सुर सेवक तुम तने, ये परिवार लोक है घने, ये मनोग वनिता मंडली, तुम आदेश चहे मन रली, ये पट देवी लावन खान, सब देवो इन ये विमान पुर महल उतंग, चमर छत्र सेना सप्तंग, तुजा सिंहासन आदि मनोग, सकल संपदा यह तुम जो। क्या चल रहा है, कुछ समझ आ रहा है? जब वे देव वहां पर उत्पन्न हो जाते हैं और उत्पन्न होने के बाद उन्हें अवधि ज्ञान के माध्यम से ज्ञात होता है कि मैं देव पर्याय को प्राप्त हो गया हूं, तो उसी समय पर वह आश्चर्य भी कर रहे होते हैं और उनके सामने अनेक देव और देवियां भी खड़ी होती हैं और उनके आश्चर्य को देख करके उन्हें बताते हैं कि आप मेरी विनती को स्वीकार करें, मैं यहां पर अभी से अनाथ था, आपके आने से अब मैं सनाथ हो गया हूं, आपसे आप ही मेरे स्वामी हैं और ये बहुत ही उत्तम स्थान है, 13वां स्वर्ग कहलाता है आनत नाम का, सारे जगत की लक्ष्मी यहाँ पर इकट्ठी हो गई है और यहाँ पर निरंतर ये भोगों का स्थान है, आप यहाँ पर इंद्र के रूप में अवतार लिए हैं, जो आपने पूर्व जन्म में दुर्धर तप किया था उसी के फल से ये सारे देव आपके सेवक बनकर के बने खड़े हुए हैं और यही अब आपका परिवार है और ये मनोज्ञ स्त्रियों की देवियों की मंडली है, ये सब तुम्हारे आदेश की बाट जोह रही है, ये सब तुम्हारे पदों की चरणों की सेवा करने के लिए खड़े हैं और ये तुम्हारी पट्टरानी है, पट्ट देवी है और ये भी लावण्य की रूप की सौंदर्य की खान है, ये देखो ये चारों ओर विमानपुर में कैसे बड़े बड़े महल हैं, ये चमर ये छत्र ये सारी सप्तंग सेना, ये ध्वजा ये सिंहासन ये मनोज्ञ सकल संपदाएं, ये सब तुम्हारे भोग के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। ऐसे वचन अनंतर तव जान्यो इंद्र अवधि बल सव, मैं पूरब कीनो तप घोर, दंड कर्म धर्म धन चोर, जीव जात को निर्भय दान, दोनों आप बराबर जान, सब उपसर्ग सहे धरवीर, जीत्यो महाराग रिपुवीर, काम विषम वैरी बश कियो, और कसाय बन कूचा दियो, जिनवर
अखंडित पोष चारित चिर पाल्यो निर्दोष इह विद से यो धर्म महान तिस प्रभाव दिखे यह थान दुर्गति पात निवारण करो तिन मुझ इंद्र लोक ले धरो। क्या सोच रहे हैं वो देवराज आनंद स्वर्ग में कि मैंने जो पूर्व भव में दुर्धर तप किया था सब तरह के उपसर्ग सहन किए थे और परिचय सहन किए थे आज उसी पुण्य के फल से मुझे यह देव पर्याय प्राप्त हुई है। जो मैंने वहां पर राग को जीता काम को जीता कसायों को जीता और जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए अखंड चरित्र को धारण किया आज हमें उसी धर्म के प्रभाव से इस तरह का सुख प्राप्त हो रहा है और यह सब दुर्गति को निवारण करने वाला सुगति को देने वाला जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो बताया हुआ धर्म था उसी का जो मैंने सेवन किया उसी का यह फल है जो मुझे आज यहाँ दिखाई दे रहा है। सो अब सुलभ नहीं इस देह भूम जोग है थानक ये है राग आग दुखदायक सदा चारित जल बिन बुझे न कदा सो कारण सुर गति में नाही व्रत को उदय नया पद माही कै जिनवर की भक्ति सहाय और न दिखे धर्म उपाय यह विचार जन पूजन उठ्यो इंद्र परिवार समेत। उस समय पर वह विचार कर रहे हैं कि कहां मैंने इतना संयम और चारित्र का भार धारण किया एकाकी वन में विचार किया विहार किया और उसके बाद में हमें यह देव की पर्याय मिली अब यहाँ पर इस देव पर्याय में फिर से ये राग रंग मिलेगा और फिर से हमारे सामने ये सब मोह का राग का रति का ये माहौल मिल रहा है अब यहाँ पर मुझे चारित्र का पालन करना संभव नहीं है यहाँ पर केवल मैं अब जिनेंद्र भगवान की भक्ति करके अपने सम्यक दर्शन को ही बनाए रख सकता हूं इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता। ये एक बड़ी विडंबना है जो बीच में आ जाती है। कई लोग इस विषय में पूछते हैं कि महाराज ये बीच में इतना संयम धारण करने के बाद मैं ये स्वर्गों का सुख भोगने के लिए स्वर्गों में क्यों जाना पड़ता है सुन रहे क्यों जाना पड़ता है। आपने अगर यहां पर कुछ अर्जित किया है तो वह अर्जित आपके लिए जो हुआ है वो पूरा नहीं हो पाया। आपने यहां पर अपने कर्मों की निर्जरा भी की लेकिन कर्मों की निर्जरा के साथ साथ पुण्य का बंध अधिक किया। पूर्ण रूप से कर्मों की निर्जरा जिस ध्यान से होती है वो शुक्ल ध्यान अभी पंचम काल में होता नहीं और धर्म ध्यान से पुण्य का बंध अधिक होता है कर्मों की निर्जरा भी होती है लेकिन वह पुण्य का बंध जो हो जाता है वह हमें आगे कहीं ना कहीं फल देगा। शुक्ल ध्यान होगा नहीं शुक्ल ध्यान के बिना केवल ज्ञान होगा नहीं आयु पूर्ण होगी धर्म ध्यान के साथ होगी तो बीच में आपके लिए यह एक और स्टॉपेज मिलेगा जहां पहुंचने के बाद में आपकी परीक्षा होगी कि आपने राग रंग भावों से छोड़ा था कि यूं ही छोड़ा था। अगर आपके अंदर सम्यक दर्शन का भाव होगा अगर आपको जिन धर्म की महिमा समझ में आई होगी तो वहां देवों में पहुंचने के बावजूद भी वहां आप राग रंग में आनंद नहीं मनाएंगे आनंद मनाया जाएगा जैसे यह पारसनाथ भगवान का जीव मना रहा है। अब वह सोच रहा है कि अब मेरे लिए कोई और उपाय नहीं है जिनवर भगवान की भक्ति मेरे लिए सहाय है यहां पर सहायक है और कुछ नहीं है और यही विचार करके वह जिनेंद्र भगवान की पूजन करने के लिए सबसे पहले उठते हैं वो देव और अपने परिवार के साथ में वह आनंद स्वर्ग का देव भगवान की पूजन करने के लिए तैयार होता है और उसी की तैयारी में देखें क्या होता है। अमृत वापिका में कर नौन गयो जहां मड़ी मैं जिन भौन सतन बिंब बंदे बिहसाए
भाव भगत सो शीश नवाए। पूजा करी दरब धरी आठ, फूल के त अंग पढ़ो थुति पाठ। चेत बिरच जिन प्रतिमा जहां, महामछु चव कीनो तहां। पीछे दूर तक बैठे हुए लोगों को सब अच्छा सुनने में आ रहा है, सुनाई पड़ रहा है? थोड़ा सा आनंद के भाव में रहें। जब ये इस तरीके के छंद पढ़े जाते हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल एक में करें कि जैसे हम स्वर्ग में ही बैठे हैं। यूं नहीं सोचना भी हम आगरा में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? हाँ, और देवराज इंद्र के साथ तो हम बैठे ही हैं, लेकिन उनका साथ देने के लिए हमारे सामने मुनि महाराज बैठे हैं, जो हमें उनके साथ में बनाए रखने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसलिए आप लोग बड़े अच्छे ढंग से हिलते हुए, गर्दन हिलाते हुए, जैसे शुरू में लिखा था ना, हाँ, अगर आपका सिर नहीं हिलेगा तो फिर वो सिर थोता नारियल कहलाएगा, फिर उसमें कुछ है नहीं है, भीतर जल नहीं है, ऐसा मालूम पड़ेगा, है ना। हाँ, तो यह हाथ हिलने चाहिए, सिर हिलने चाहिए, तब मुझे समझ में आया कि यहाँ अच्छे सिर वाले लोग हैं। यो बहु पुण्य उपायो सही, फेर आय निज संपत्ति गही। दिव्य भोग भुंजे बड़ भाग, लोकोत्तम जिस सहज सुहाग। शोभन रूप प्रथम संठान, वशु व्रय क्रेक सुलक्षणवान। कोमल सुर भी सचित कल देह, सात धात वर्जित गुण देह। जब वह देव भगवान की पूजा करने के लिए जाते हैं तो पहले अपने विमान में ही, अपने महल में ही बहुत सारे चैत्य वृक्ष होते हैं, और जिन बिंब जिन मंदिर में स्थापित होते हैं उन्हीं की पहले वे पूजा करने के लिए तैयार होते हैं। अमृत की वापिका में स्नान करते हैं, किसमें? पानी के टब में नहीं किसमें वहां स्नान करते हैं? हाँ, वहां पर अमृत की वापिकाएं, माने बड़ी बड़े, तुम्हारे तो ये सब ये छोटे छोटे से क्या बोलते हो इनको, स्विमिंग पूल, ये तो छोटे छोटे से होते हैं, बड़ी बड़ी वापिकाएं जिनमें डूब डूब करके स्नान करके वह अपने आनंद को लेने के बावजूद फिर बाद में अपने शरीर को शुद्ध करके वह भगवान के स्नान के लिए, भगवान के अभिषेक के लिए, भगवान की पूजन के लिए जाते हैं। और जब भगवान की पूजन करके आ जाते हैं तब फिर बाद में अपनी संपदा का भोग करने के लिए मन बनाते हैं। जैसे आप लोग मंदिर जाने के बाद भोजन करते हैं, उसी तरह से वहां पर देव लोग पहले भगवान की पूजन करते हैं जन्म लेने के बाद में, और फिर आकर के वो अपना कुछ और दूसरा काम करते हैं। जो वहां पर उनको शरीर मिला है उस शरीर का यहां वर्णन है कि वह पहला संस्थान होता है, समचतुरस संस्थान, बहुत ही सुंदर स्वरूप, सुडोल हाइट, हेल्थ बिल्कुल बराबर की, ऐसा नहीं कि कहीं पैर लंबे हो रहे हैं, हाथ छोटे हो रहे हैं, उंगलियां किसी की लंबी हो रही हैं, नाक बड़ी हो रही है, किसी के चेहरे बड़े हो रहे हैं, छाती छोटी हो रही है, सब कुछ बिल्कुल ही सुडोल। संस्थान को समचतुरस्र संस्थान कहा जाता है, और ऐसा वह संस्थान उन्हें मिलता है, शरीर मिलता है शुभ नाम कर्म के कारण से। उस शरीर में हमेशा सुरभि बहती है, हमेशा वह शरीर सुगंधी को फैलाता है, बड़ा स्नेह से युक्त चिक्कण, सात प्रकार की जो धातुएं हमारे शरीर में होती हैं वो उस शरीर में कुछ भी नहीं होती हैं, ना हड्डियां होती हैं, ना मांस होता है, ना खून होता है, ना वसा होती है, कुछ नहीं होता है। ऐसा बढ़िया ट्रांसपेरेंट वैक्रियक शरीर होता है कि उस शरीर में पसीना तक भी नहीं आता है। और एक सबसे अच्छी बात जो यहाँ बताई जा रही है, पलक पात लोचन में नहीं, मल पसेव नख केश न कहीं, जरा कलेश न चिंता सोग। उनके पलकों का पात नहीं होता है, माने पलके नहीं टिमटिमाती हैं, आंखें खुली रहती हैं हमेशा, सुन रहे हो? आप खोल के देखना अपनी आंखों, कितनी देर तक खोल रह सकते हो? ज्यादा देर खोल के रखोगे तो पानी सा आने लगेगा, लेकिन थोड़ी देर खोल के रखना भी चाहिए, सुन रहे हो? जिन्हें अपनी आंखें देवों के समान तेजोमय रखनी है, देवों के समान अच्छी रखनी है, वो थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को किसी ना किसी अच्छी चीज पर कंसंट्रेट किया करें। क्या सुन रहे हो? कहाँ किया करें? हाँ, जब भगवान के मंदिर में जाओ तो बिल्कुल उन्हें अपलक निहारो, अपलक का मतलब पलक नहीं गिरे ऐसे उन्हें निहारो।
क्योंकि पलक गिरने पर भी जो है आनंद चला जाता है, बीच में डिस्टर्ब हो जाती, रील छूट जाती है। जो भी चीज आपको आनंद दे रही है उसे आप अपलक निहारो, और यहां पर भी बैठ करके आप इस दृश्य को भी अपलक निहार सकते हो, जिससे आपकी आंखें भी अच्छी रहेंगी और आपके लिए कभी भी नींद नहीं आएगी, आलस नहीं आएगा, अगर आपकी आंखें अपलक बनी रहेंगी। समझ आ रहा है? या आपको अपनी आंखों की स्वस्थता के लिए किसी ग्रीनरी पर अपनी आंखों को फोकस करना चाहिए। समझ आ रहा है? ये बात हमने पहले भी कही है कि आपको ग्रीनरी पर, ग्रीन ग्रास पर चलना नहीं है, आपको केवल उसे देखना है। और आप किसी भी फल को, वृक्ष को, ग्रीन ग्रास को, किसी प्लांट को अगर आप बहुत कॉन्स्टेंटली देखते हैं, आपकी आंखें अपलक देखती रहती हैं, तो उससे भी आपकी आंखों की सुरक्षा बनी रहेगी, आपकी आंखों में ज्योति बनी रहेगी। जैसा देखोगे वैसा मिलेगा। हरी घास देखोगे आंखों में हरियाली रहेगी। भगवान की शांत मुद्रा देखोगे तो शांति आएगी। समझ आ रहा है? गुरु की मुद्रा देखोगे तो आपको गुरु जैसे भाव आपके अंदर आएंगे। जैसा देखोगे वैसा मिलेगा। जैसी आप पिक्चर देखते हो वैसे ही पिक्चर छूटने के बावजूद भी बहुत देर तक आपके हाथ पैर फड़फड़ाते हैं, नहीं फड़फड़ाते? अगर आपने कोई मार काट की फिल्म देखी है तो बहुत देर तक आपको लगेगा मेरे सामने कोई आ जाए तो अभी धुंधु। समझ आ रहा है? आपके मन में वो जो भाव आता है बहुत देर तक वो तभी आता है जिस चीज पर आपने फोकस किया है, वैसा ही आपके अंदर विचार आने लग जाता है। इसलिए यहां पर ये बहुत अच्छी बात आपको सीखना है कि बिना पलक झपकाए हमें कुछ देर देखने का अभ्यास करना है, और तब तक करना है जब तक कि हमारी आंखों से पानी ना आ जाए, और पानी आने लग जाए तो फिर आप अपनी पलक झपका सकते हो, क्योंकि उसके बाद फिर आपको दर्द भी हो सकता है, लेकिन इस तरह की प्रक्रिया आपके नेत्रों की ज्योति को बढ़ाने के लिए अच्छी होगी। इसको प्रैक्टिकली करके देखना। उन स्वर्गों के देवों को किसी भी तरह का बुढ़ापे का डर नहीं होता, जैसा मनुष्यों को बना रहता है। क्लेश कुछ नहीं होते हैं घर में, परिवार में। परिवार तो बहुत बड़ा होगा लेकिन वैसा परिवार नहीं होगा कि बच्चे रो रहे हैं, कि बच्चे के बच्चे रो रहे हैं, कि उनको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, कि उनको कोरोना हो गया है, कि ये हो गया वो हो गया, वो कुछ नहीं होगा। जितने भी देव होंगे उनकी सिर्फ देवियां होंगी, वही उनका परिवार होगा। उनके जो अनुचर देव होंगे वो उनका परिवार होगा, और सभी स्वस्थ रहते हैं और सभी एक दूसरे को आनंद पहुंचाते हैं। किसी भी तरह पर वहां पर अल्प मृत्यु का भी भय नहीं होता है कि कभी अकाल में मृत्यु हो जाए। कोई एक्सीडेंट नहीं, किसी भी तरह का कोई भी वायरस का कोई फ्लू नहीं, किसी भी तरह की कोई भी इति भीति आपत्ति नहीं। हर तरह से वहां पर एक शांति का, सुख का माहौल रहता है। इत्यादिक दुख जोग अनेक, तिन में नहीं अमर के एक। आठ रिद्धि अभिमादि सत्य, तिश बल सकल काज समरथ। सुरग लोक के सुख की कथा, कहें कहां लो बुध बल यथा। मनोगत विमल विमान, विचरे नव पथ वाचित कायम। देखिए कि वह हमेशा अपने विमानों में से निकल कर के उनके पास में और भी दूसरे चार्टर्ड प्लेन रहते हैं। समझ आ रहा है? उसमें बैठ कर के वह अपने देवियों के साथ में, मन चाहे देवों के साथ में भ्रमण करते हैं आकाश मार्ग से। और वह भ्रमण करने के लिए जाते हैं, कहाँ जाते हैं? कवहीं मेरु जिनालय गमे, कवहीं आन कुला चल रमे। द्वीप समुद्र वर्ष वर्ष में हर्ष बढ़ाय, तीन बार नंदी सुर जाय। और केवली प्रभु के पाय, दोय कल्याणक पूजे आय। निज कोटि फिर होय सुयान, करे दिव्य वाणी रस पान। सभा सिंहासन बैठ सुरेश, देय सुरन प्रतिहित उपदेश। करे तप वर्णन विस्तार, अनेकांत वाणी अनुसार।
जेसुर सम्यक दर्शन हीन तप बल देव भय सुखलीन विधि विविधि करें शुभ काज महापुण्य संचय सुर राज धर्म वासना वासित जोग करें पुनीत पुण्य फल भोग कबहीं शुभ सिंगार रसलीन भाव जीवे परलीन कबहीं हास्य कथा विस्तरें वन क्रीड़ा यो नाना विधि करत विलास प्रतिदिन सुख सागर में वास इस तरह से वे आनत स्वर्ग के देव जब प्रतिदिन हर्ष के साथ में अपना जीवन जीते हैं उनके वह दिन भी यहीं के 24 घंटे के बराबर दिन से ही गिने जाते हैं और आप ये ध्यान रखना कि उनके दिन कोई अलग नहीं होते हैं कि ना बहुत बड़े होते हैं और ना आपसे छोटे होते हैं दिन और मान का ज्ञान यहीं से लिया जाता है जो यहाँ पर नंदीश्वर के दिवस आते हैं जब अष्टानिक पर्व आते हैं तो वो यहीं पर देखते हैं कार्तिक मास आया आषाढ़ मास आ गया फागुन मास आ गया और इन पर्वों में यहीं के मास के अनुसार वह नंदीश्वर के पर्व में जाकर के वहां पर उत्सव मनाते हैं इसलिए आप जो यहां पर इस ऋतुमान के अनुसार चलते हैं ये मान के चलें कि विश्व में किसी भी जगह पर अगर कोई दिन और रात की वर्ष आदि की गणना होती है तो वह इसी के अनुसार होती है जैसा इस भारत देश के अंदर चलता है यहीं के अनुसार सब कुछ समय की प्रक्रिया चलती है और इसी प्रक्रिया के अनुसार वह अपना बहुत दीर्घ काल भी गुजारते हैं तो वह धीरे धीरे वह दीर्घ काल गुजर जाता है आनंद के साथ गुजरता है प्रतिदिन उत्सव होना ये बड़े पुण्य से होता है क्या सुन रहे हो पुण्य के योग मिलने पर ही आपके लिए यह प्रतिदिन उत्सव का माहौल बन सकता है आपके लिए यह जो माहौल दिखाई दे रहा है प्रतिदिन यह भी एक तरफ तो आपके लिए यह पारस कथा का माहौल है लेकिन यह माहौल हमें देखने में आ रहा है कि यह बहुत ही महोत्सव का माहौल है पारस कथा का यह महोत्सव हो रहा है और ऐसा महोत्सव लंबे समय से चल रहा है अभी भी चल ही रहा है अगर आप प्रतिदिन अपने आप को उत्सव के भाव में रखना चाहते हैं तो आपको इस तरह के उत्सव में शामिल होते रहने का भाव निरंतर बनाए रखना होगा यह पुण्य से ही होता है आदमी जहां पर सुबह उठने के बाद में कहीं ना कहीं जाकर के शोक मनाता है किसी ना किसी दुख में गिर पड़ता है वहीं पर कुछ दुर्लभ पुण्य को धारण किए हुए भले मानुष होते हैं भले मानुष जानते हो बोलो तो आपके यहां की भाषा है अरे भले मानुष थोड़ा सुन तो सही ऐसे कुछ भले भोले मानुष ही होते हैं जो ठीक समय पर आकर के कि भाई एक घंटा तो अपन को पारसनाथ भगवान के उत्सव में लीन होना है फिर बाकी के 23 घंटा जो करना है सो करना है ये उत्सव में शामिल होना पुण्य के उदय से होता है आप देखेंगे जितने भी पुण्यवान जीव होते हैं उनके हर दिन उत्सव के साथ होते हैं समझ में आ रहा है हाँ आपके लिए तो जीवन में एक ही बार उत्सव आता है जब आप विवाह करते हैं शादी करते हैं है? या फिर उसकी कोई पार्टी कर लेते हैं फिर उसी को रिपीट करने के लिए याद करने के लिए साल में एक दिन निकालते रहते हैं लेकिन पुण्यवान जीवों का हर दिन उत्सव का दिन होता है आप अभी पुण्यवान बने हुए आपके लिए ये उत्सव के दिन चल रहे हैं इस पुण्य को अगर हम इस तरीके से बढ़ाते रहते हैं तो हमारे लिए पता नहीं पड़ेगा कब सावन निकल गया कब भादों आने वाला है ये सब दिन महीने साल सब गुजरते जाएंगे समझ में आ रहा है और इस तरीके के भाव में अगर हम रहेंगे तो देवों जैसा ही आपको आनंद मिलेगा
और आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि कब सावन पूरा हो गया, कब भादों शुरू हो गया, कब भादों की आगे कृष्ण पक्ष निकल जाएगा, शुक्ल पक्ष आने वाला है। कुछ ध्यान भी है कि नहीं? क्या हो गया? सावन निकल चुका है, समझ में आ रहा है? हाँ, कल सावन की पूर्णिमा थी और आज एकम शुरू हो गई। एकम कौन सी महीने की? इसीलिए तो उनको याद दिला रहा हूं, समझ में आ रहा है? क्या सोचना है आपको? आनंद एक ही डायरेक्शन में चले। कभी कभी अपने जीवन में भी इस तरह के आनंद आते हैं तो उस आनंद में भी हम कुछ भीतर से जब गूंज भर जाती है तो कुछ लिख पाते हैं। ऐसे ही नरसिंहपुर में चतुर्मास हुआ था 2010 का, और उस समय पर इसी श्रावण मास में जब आचार्य महाराज से अलग होने के बाद में पहला चतुर्मास हुआ था, वैसे तो 2007 में निकला था यात्रा करने के लिए, सम्मे शिखर की यात्रा हुई और उसके बाद में 2010 में आचार्य महाराज के दर्शन हुए थे बीना बारा में, और फिर उसके बाद में उन्होंने आदेश दिया कि जाओ यहाँ आसपास गांव हैं, शहर हैं, इनमें धर्म प्रभाव ना करो। तो फिर वह 2010 में जब पहला चतुर्मास फिर दो मुनि महाराजों का एक साथ जब हुआ तो उस नरसिंहपुर चातुर्मास में ये सावन का महीना चल रहा था। आपको बताऊं, ये पारसनाथ भगवान की कथा सबसे पहले उसी चातुर्मास में पढ़ी गई थी, लेकिन इतने विशाल उत्सव के साथ में नहीं पढ़ी गई थी, वो एक मंदिर के अंदर पढ़ी गई थी और वह कथा भी लोगों को वहां पर बहुत अच्छी लगी, और उसके बाद उस समय पर वह कथा चैनल पर प्रसारित भी हुई थी, लेकिन कोई समझ ही नहीं पाया था कि कहां शुरू हुई कहानी और कहां खत्म हो गई। लेकिन उस समय पर जब यह कथा चल रही थी तो मन में गुरुदेव से अलग होने का एक भाव आया कि अलग हो गया, लेकिन गुरुदेव की जो याद, उनके दिए हुए ज्ञान, उसके कारण से जो भीतर भाव बन रहे थे वह इसी सावन के महीने में कुछ लिखे गए थे। सावन का महीना आपके सामने है, भाद का महीना शुरू हो गया है, लेकिन ये भाव आपके अंदर हमेशा सावन की हिलोरों की तरह हमेशा आनंद देने वाले हैं। वो भाव मैं आज आपको पढ़ाना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ, ताकि आपका आनंद का रस थोड़ा सा और बढ़े और हम उसी दिशा में चल रहे हैं जिस दिशा में पारसनाथ भगवान चल रहे हैं। एक भाव है कि हम अगर गुरु महाराज से दूर रहते हैं तो गुरु महाराज से दूर रहते हुए भी हमें ये समय कैसे आनंद दे सकता है, वह हमें समय किन भावों से आनंद दे सकता है, वो भाव आपके लिए यहां पर कह रहा हूं। अब मोहे समकित सावन भायो, अब मोहे समकित सावन भायो, अब मोहे समकित सावन भायो। समकित जानते हैं? समीचीन, सम्यक दर्शन को समकित कहते हैं। ऐसा सावन जो हमेशा हमारे अंदर लहलहाता है, लेकिन उसकी याद कभी बाहर से आ जाए अलग बात है, लेकिन वो सावन तो हमारे अंदर हमेशा लहरा रहा है। देखें कि सावन में क्या क्या होता है और हमारे अंदर क्या क्या होता है। इस सावन से गुरु भक्ति में मेरा मन सुख पायो, अब मोहे समकित सावन भायो, अब मोहे समकित सावन भायो। सावन में क्या करते हो आप लोग? पहले लोग झूला झूलते थे सावन में, आजकल पता नहीं क्या करते हैं, स्केटिंग का जमाना आ गया है। झूला, किसी वृक्ष के नीचे झूला होता था, घर के दरवाजों के नीचे झूला होता था,
और उस पर डोर बांध करके वह झूला झूलने का एक आनंद लिया जाता था, तब पता पड़ता था कि सावन आ गया है। कुछ संस्कार बचे हैं कि नहीं बचे हैं? चलिए मैं आपको झूला झूलाता हूँ, और मैं कौन सा झूला झूलता हूँ वो भी आपको सुनाता हूँ। सिद्ध शिला की छत पर मैंने, सिद्ध शिला की छत पर मैंने भक्ति डोर लटकायो, ता पर चारित तख्ती रख कर, ता पर चारित तख्ती रख कर बैठ भावना गायो। अब मोहे समकित सावन भायो, अब मोहे समकित सावन भायो। सिद्ध शिला की छत पर भक्ति की डोर लटका कर, चारित्र की तख्ती पर बैठ कर के ये बारह भावनाएं, वैराग्य भावनाएं जो मैं पढ़ रहा हूं यहां पर, ये सब उसी सावन का आनंद है, जो सावन का आनंद मैं ले भी रहा हूं और आपको भी दे रहा हूं। अब उसी सावन में घनाघन कहते हैं, घने मेघ जो छा जाते हैं, और जब कभी रिमझिम बारिश होती है, और उसी श्रावण में मास में जब हम झूलते हैं तो कभी बहुत ऊंचे तक चले जाते हैं, कभी पीछे और ऊंचे चले जाते हैं, एक झूले में झूलते हैं। देखिए मुनि महाराज का झूला कौन सा है। शुद्धातम उपदेश घना घन, शुद्धातम उपदेश रिमझिम निर्जर छायो, रिमझिम निर्जर छायो। जब शुद्ध आत्मा का ध्यान करते हैं मुनि महाराज, शुद्ध आत्माओं से बातें करते हैं मुनि महाराज, तो उनके जो कर्मों की निर्जरा होती है वही उनकी रिमझिम बारिश होती है, और उसी के आनंद में उनकी आत्मा के अंदर हरियाली लहलहाती रहती है। शुद्धातम उपदेश घना घन, रिमझिम निर्झर छायो, छट साते गुड़ ठाण बिठा कर, छट साते गुड़ ठाण बिठा कर। मुनि महाराज का छठवां सातवां गुड़स्थान निरंतर चलता रहता है, और इस तरह का वह झूला चलता रहता है जो झूला गुरु ने दे दिया है। जीवन की अंतिम श्वास तक इस तरह का झूला चलता रहेगा, छठवें सातवें गुड़ स्थान तक। छठ साते गुड़ ठाण बिठा कर गुरु ने मोहे झुलायो, गुरु ने मोहे झुलायो, अब मोहे समकित सावन भायो, अब मोहे समकित सावन भायो। झूला झुलाने के लिए भी कोई होता है ना, थोड़ा सा पीछे धक्का देने को। ऐसे ही गुरु ने मुझे छठवें सातवें गुड़ स्थान पर बिठा करके झुला दिया, और अभी भी झुलाते रहते हैं। आत्म सुख हरियाली निरखत, आत्म सुख हरियाली निरखत, चहुं गति दुख भुलायो, चहुं गति दुख भुलायो, पी पी कर गुरु के वचनामृत, पी पी कर चातक सम हर्षायो, चातक सम हर्षायो, अब मोहे समकित सावन भायो, अब मोहे समकित सावन भायो। सावन मास सुवास सदा ही,
सावन मास सुवास सदाही। आप कभी महसूस करते हो कुछ जीते हो कि नहीं इस ऋतुओं के अनुसार? आप देखोगे कि श्रावण मास की सुवास एक अलग ही होती है, एक अलग ही तरह की आपको गंध महसूस होगी अगर आप कभी महसूस करो तो। वो गंध कभी आप किसी घास के पास से निकल जाओ, किसी हरियाली के पास से निकल जाओ, वो गर्मी में नहीं मिलेगी, सर्दी में नहीं मिलेगी, वो गंध केवल श्रावण मास में ही आएगी। और अगर आप महसूस करो तो वो गंध आपको यहां पर भी महसूस हो रही है, अगर आप महसूस करो तो वो श्रावण मास की गंध आपको यहां पर भी महसूस होगी। एक अलग ही गंध आती है श्रावण मास में, सुन रहे हो? नाक को तरोताजा रखो। सावन मास सुवास सदा ही, ताप तुषार हटायो, गुरु उपकार कयो नहीं जाए, गुरु उपकार कयो नहीं जाए, ज्ञायक भाव सुहायो, ज्ञायक भाव सुहायो, अब मोहे समकित सावन भायो, अब मोहे समकित सावन भायो। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल, ओम अरहम ओम अरहम अरहम बोल। 20 सागर की आयु प्राप्त की उस देव ने, कितनी? ये 3 लाइनें पढ़ते हैं, एक अधिकार पूर्ण होता है। सागर विष परम तिथि जास, 20 पक्ष उले उसास, 20,000 वर्ष अवसान, मनसा भोजन करे महान, पंचम पर थी लो जिस सही, अवधि शक्ति जिन शासन कही, तावत मान विक्रिया खेत, सकल काज साधन सुख हेत, असंख्यात सुर देवन पाय, देवी नेत्र कमल दिन राय, यो पूरव कृत पुण्य सजोग, करे इंद्र इंद्रासन भोग। 20 सागर की आयु प्राप्त हुई, 20 पक्ष के बाद में वह उश्वास लेते हैं, 20,000 वर्ष के बाद में एक बार भूख की क्षुधा की वेदना होती है तो वह मानसिक आहार अमृत का आहार उनके कंठ से झरता है, सुन रहे हैं? किसी भी तरह की शरीरगत मानसिक वेदनाओं के बिना जो सुख होता है उस सुख की आप कल्पना अगर करेंगे तो इसी तरह की पर्यायों के सुख को समझ कर कर पाएंगे। अगर हमें भूख लगी है और समय पर भोजन नहीं मिला है तो वो भी हमारे लिए दुख है, इंतजार करना पड़े तो वो भी हमारे लिए दुख है, लेकिन हम सब दुख सह लेते हैं।